दोस्तों, बैंकिंग एक बहुत बड़ा सेक्टर है। हम में से कई लोगों का सपना गवर्नमेंट बैंक में जॉब करने का होता है, जिसमें बहुत ज्यादा कंपटीशन की वजह से कुछ ही लोग सक्सेस हो पाते हैं और ज्यादातर लोग निराश होकर नए सेक्टर या जॉब की तलाश में लग जाते हैं। लेकिन क्या आपको पता है, प्राइवेट बैंकिंग सेक्टर गवर्नमेंट सेक्टर से किसी भी मामले में कम नहीं है, चाहे वो सैलरी हो या फैसिलिटी या ग्रोथ। जहाँ गवर्नमेंट सेक्टर में ग्रोथ बहुत स्लो है, एक क्लर्क से मैनेजर या GM बनने में सालों लग जाते हैं, वहीं प्राइवेट सेक्टर में अच्छी और तेज ग्रोथ है। आप कुछ सालों में ही मैनेजर या GM या प्रेसिडेंट बन सकते हैं और काफी अच्छे पैसे भी कमा सकते हैं। तो चलिए जानते हैं भारत में प्राइवेट बैंकिंग में करियर कैसा है। दोस्तों, भारत की आर्थिक स्थिरता के साथ ही यहाँ बैंकिंग सेक्टर ने भी बहुत विकास किया है। हमारे देश में इस समय बैंकिंग सेक्टर में सरकारी और प्राइवेट सेक्टर अपनी एक्टिव भूमिका निभा रहे हैं। हमारे देश में मौजूदा समय में 27 सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक हैं और कुल 93 कॉमर्शियल बैंक्स हैं। अगर हम ग्रोथ रेट की बात करें तो प्रेजेंट में हमारे देश के बैंकिंग सेक्टर में लगभग 8.5% सालाना ग्रोथ रेट है। दोस्तों, इंडिया में 4 टाइप की बैंक कैटेगरीज है, कॉमर्शियल बैंक, स्मॉल फाइनेंस बैंक, पेमेंट बैंक, कोऑपरेटिव बैंक। कॉमर्शियल बैंक में पब्लिक सेक्टर के बैंक, प्राइवेट सेक्टर के बैंक, रीजनल रूरल बैंक और फॉरेन बैंक आते हैं। वहीं स्मॉल फाइनेंस बैंक में जेना स्मॉल फाइनेंस बैंक, AU स्मॉल फाइनेंस बैंक, नॉर्थ ईस्ट स्मॉल फाइनेंस बैंक, इस तरह के बैंक आते हैं। वहीं पेमेंट बैंक की बात करें तो आपने देखा होगा जियो पेमेंट बैंक, पेटीएम पेमेंट बैंक, एयरटेल पेमेंट बैंक, ये सब पेमेंट्स बैंक। कोऑपरेटिव बैंक, दोस्तों कोऑपरेटिव बैंक में अर्बन कोऑपरेटिव बैंक और रूरल कोऑपरेटिव बैंक आते हैं। दोस्तों, प्राइवेट बैंक ऐसे बैंक होते हैं जिसमें शेयर या इक्विटी की अधिक से अधिक हिस्सेदारी प्राइवेट शेयर होल्डर्स के अधिकार में होती है। इसमें गवर्नमेंट का कोई भी अधिकार नहीं होता है। भारत के टॉप प्राइवेट बैंक्स पे आ जाते हैं। दोस्तों, इस समय भारत में तकरीबन 22 बैंक प्राइवेट सेक्टर के तहत कार्यरत है, जिसमें एक्सिस बैंक, बंधन बैंक, कैथोलिक सीरियन बैंक, सिटी यूनियन बैंक, DCB बैंक, धनलक्ष्मी बैंक, फेडरल बैंक, HDFC बैंक, ICICI बैंक, IDBI बैंक, IDFC बैंक, इंडसलैंड बैंक, जम्मू एंड कश्मीर बैंक, कर्नाटका बैंक, करुण वैश्य बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक, लक्ष्मी विलास बैंक, नैनीताल बैंक, RBL बैंक, साउथ इंडियन बैंक, तमिलनाडु मर्केंटाइल बैंक, यस बैंक, ये 22 प्राइवेट बैंक है। एलिजिबिलिटी पे आ जाते हैं तो 12th अगर आपने किया है किसी भी स्ट्रीम में या ग्रेजुएशन कर रखा है तो आप प्राइवेट बैंकिंग में जा सकते हैं। अगर आपने कॉमर्स या मैथ्स में पोस्ट ग्रेजुएशन या MBA प्रोग्राम किया है तो आपको इसका ज्यादा बेनिफिट मिलता है। कोर्स पे आ जाते हैं तो दोस्तों, कुछ प्राइवेट बैंक अपने ट्रेनिंग प्रोग्राम और कोर्स करवाते हैं, जिसे करके आप इजिली इन बैंकों में जॉब पा सकते हैं। एक्सिस बैंक यंग बैंकर्स प्रोग्राम करवाता है, जिसकी फीस 4,13,000 रुपए समथिंग होती है। इसको करके आप एक्सिस बैंक के एम्प्लॉई बन सकते हैं। वहीं HDFC बैंक फ्यूचर बैंकर प्रोग्राम करवाता है, जिसकी फीस लगभग 3,00,000 रुपए है। ICICI बैंक प्रोबेशनरी ऑफिसर प्रोग्राम करवाता है, जिसकी फीस 2,75,000 रुपए है। वहीं यस बैंक क्लाइंट रिलेशनशिप पार्टनर प्रोग्राम करवाता है, जिसकी फीस 12,000 रुपए है और ये फीस आपको आपकी पहली सैलरी आने के बाद पे करनी है। मतलब जब ये कोर्स आप करेंगे उसके बाद जब आप सेलेक्ट हो जाएंगे, बैंक में आपकी सैलरी पहली आ जाएगी, उसके बाद ये 12,000 रुपए आपको पे करने हैं। तो इस तरह के ये 4 कोर्स बैंकों से आप करके इजीली जॉब पा सकते हैं। और भी कई रास्ते हैं प्राइवेट बैंकिंग में जॉब पाने के। दोस्तों, भारत में बैंकिंग से संबंधित विभिन्न कोर्स करवाने वाले टॉप एजुकेशन इंस्टीट्यूट के बारे में जानते हैं। यहां से आप बैंकिंग से संबंधित विभिन्न डिग्री और डिप्लोमा या सर्टिफिकेट कोर्स कर सकते हैं। TKWS इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग एंड फाइनेंस नई दिल्ली से कर सकते हैं, इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी न्यू दिल्ली से कर सकते हैं, इंदिरा गांधी ओपन यूनिवर्सिटी इग्नू न्यू दिल्ली से कर सकते हैं, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी उत्तर प्रदेश से कर सकते हैं, MIT यूनिवर्सिटी नोएडा उत्तर प्रदेश से कर सकते हैं, हिंदुस्तान यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी एंड साइंस चेन्नई तमिलनाडु से कर सकते हैं, मैसूर यूनिवर्सिटी मैसूर कर्नाटक से कर सकते हैं, सिम्बोसिस यूनिवर्सिटी ऑफ अप्लाइड साइंस इंदौर मध्य प्रदेश से कर सकते हैं, राजीव गांधी यूनिवर्सिटी ईटानगर, महाराजा सूरजमल इंस्टीट्यूट न्यू दिल्ली से कर सकते हैं। आ जाते हैं भारत में प्राइवेट बैंक्स में प्रमुख जॉब प्रोफाइल्स। आप बैंक ब्रांच मैनेजर बन सकते हैं, कैश मैनेजमेंट ऑफिसर बन सकते हैं, क्रेडिट ऑफिसर बन सकते हैं, कॉर्पोरेट बैंकिंग ऑफिसर बन सकते हैं, बैंक क्लर्क या सपोर्ट स्टाफ बन सकते हैं, सेल्स ऑफिसर बन सकते हैं। भारत के प्राइवेट सेक्टर बैंक्स में जॉब हायरार्की पे आ जाते हैं, किस तरह से आप छोटे लेवल से बड़े लेवल तक जा सकते हैं। इसमें स्टार्टिंग
एनालिस्ट से होता है, उसके बाद एसोसिएट, सीनियर एसोसिएट, उसके बाद असिस्टेंट वाइस प्रेसिडेंट, उसके बाद आता है वाइस प्रेसिडेंट, उसके ऊपर आता है सीनियर एग्जीक्यूटिव वाइस प्रेसिडेंट, उसके ऊपर आता है एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, उसके ऊपर आता है मैनेजिंग डायरेक्टर, उसके ऊपर रीजनल लेवल CXO, उसके ऊपर आता है ग्लोबल CXO लेवल। ये लेवल है प्राइवेट बैंकिंग में, आप शुरू करते हैं एनालिस्ट से और प्रमोशन होते होते आप ग्लोबल CXO लेवल तक जा सकते हैं, जिसकी सैलरी करोड़ों में होती है। सैलरी पे आ जाते हैं तो प्राइवेट बैंक में सैलरी एजुकेशन क्वालिफिकेशन और वर्क एक्सपीरियंस और जॉब प्रोफाइल के हिसाब से सैलरी मिलती है। जहां क्लर्क को 4-6 लाख रुपए सालाना पैकेज मिल जाता है, वहीं जो मिडिल लेवल का ऑफिसर होता है, प्रोबेशनरी ऑफिसर या उसके ऊपर का ऑफिसर होता है, उसे 8-10 लाख सालाना सैलरी पैकेज मिल जाता है। वहीं अगर आप सीनियर लेवल पे जाते हैं तो 12-15 लाख रुपए का सैलरी पैकेज इजिली मिल जाता है, और उसके ऊपर अगर आप जाते हैं वाइस प्रेसिडेंट लेवल पे तो वो सैलरी पैकेज 20-30 लाख और भी ऊपर जा सकता है। दोस्तों काफी अच्छा सेक्टर है और काफी अच्छी सैलरी है प्राइवेट बैंकिंग में। तो अगर आप गवर्नमेंट बैंकिंग में नहीं सक्सेस हो पाए हैं, काफी टाइम से तैयारी कर रहे थे, तो आप प्राइवेट बैंकिंग में भी अपना हाथ आजमा सकते हैं। बहुत अच्छा करियर है और बहुत अच्छी सैलरी भी है। तो दोस्तों वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करें और सब्सक्राइब करें ऐसे ही नए वीडियो पाने के लिए। प्लेलिस्ट में और भी वीडियो हैं, उन्हें भी आप देख सकते हैं।